दोगे? हो सके आपके थाना प्रभारी वीडियो सी ईमानदार होंगे, मैं उन पर नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे ऑल ओवर भारत और झारखंड की बात कर रहा हूँ। आजादी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में, एक आम व्यक्ति, आप नजर दौड़ाई आप छतों से चढ़कर दामोदर नदी का यह किनारा, यह कोयला की खदाने। आज भारत देश के लोग कहते हैं, भारत के जो सदन पर बैठे लोग कहते हैं, तो आज भारत वर्ष तभी आजाद माना जाएगा जब एक आम व्यक्ति आजादी का अनुभव करेगा। एक अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वह जिस दिन आजादी का अनुभव करेगा तब भारत वास्तव में आजाद माना जाएगा। आज नौजवान कहते हैं कि हमने आजादी को नहीं देखा है, हमने अलग झारखंड राज्य को नहीं देखा है, लेकिन आज भी आपके सामने समय है आजाद बनने का, अशफाक उल्ला खान बनने का, बोस बनने का, चंद्रशेखर आजाद बनने का। उन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी थी। तुम ब्लॉक ऑफिस में जाओ और चोरों को उठा के पटकने का काम करो, तुम भी उसी श्रेणी में आओगे। आज भी आजादी अधूरी और इस अधूरी आजादी को पूरी करने के लिए हमारे नौजवानों को अगुवाई करनी होगी, क्योंकि नौजवान इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज मैं ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, आज स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का गौरव, आजादी का अनुभव और एक जश्न का माहौल है, होना भी चाहिए। अंग्रेजों के लगभग यातना भरे शासन के बाद हमने भारत, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने इस मुल्क को आजाद करवाया था। हमें गौरव करने का अधिकार है, हमें जश्न का मनाने का भी अधिकार है, लेकिन चिंता करने का भी हमें समय होना चाहिए कि आजादी कहाँ है। आज भारत के जो सर्वोच्च नेशनल मीडिया है, अगर उनकी माने तो भारत देश में एक महारानी रहती है, वो 3 लाख की साड़ी पहनती है, 1.5 लाख की चाय पीती है, तो नेशनल मीडिया को लगता है कि भारत तो काफी तरक्कीशील देश है, भारत तो काफी डेवलपमेंट कंट्री है, यहाँ की एक रानी 3 लाख का चाय पीती है, 2.5 लाख का साड़ी पहनती है, तो भारत तो काफी उन्नति, एक विकसित राष्ट्र के रूप में है। तो मैं बकायदा आज स्वतंत्रता दिवस की बेला के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जनता जनार्दन की उपस्थिति में पूरे देश को संदेश दूंगा कि आजादी का अगर पैमाना और उन्नति का पैमाना अगर रानी की 3 लाख की साड़ी से तय करते हैं तो मैं कहूंगा बंद कीजिए, अगर उन्नति नापनी है तो गांव के सबसे गरीब व्यक्ति, गंगवा की पत्नी गंगिया की गठरी में जो पैसा है उससे राष्ट्र की उन्नति को नापा जाए। अडानी मैडम और अंबानी मैडम की 3 लाख की साड़ी से राष्ट्र की उन्नति नहीं नापा जाए। गांव में सबसे गरीब व्यक्ति होता है उसकी अर्धांगनी की गठरी में, हम लोग गठरी समझते हैं ना, उस गठरी में जो पैसा है उस पैसे से वो बाजार को खरीद, बाजार की जरूरतमंद चीजों को खरीद पाती है कि नहीं, उससे आजादी का और उससे उन्नति का अनुभव किया जाए तब भारत वास्तव में आजाद कहलाएगा, तब भारत वास्तव में श्रेष्ठ कहलाएगा। इसलिए आज इस युवा पीढ़ी का कर्तव्य बनता है, आज आप नौजवान हैं, आप जिस उम्मीद के साथ, जिस जुनून के साथ आपने फुटबॉल में प्रदर्शन किया है, इसी उम्मीद के साथ, इसी जुनून के साथ जीवन का जो भी मोड़ आएगा वहां आपको प्रदर्शन करना है और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए और अपने बेहतरी के लिए आपको संकल्प होकर आगे बढ़ना होगा। चूंकि बात फुटबॉल के मैदान की है, आज बहुत सारे लोग हो सके खेल को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां करते होंगे, तो उन लोगों से कहिएगा कि आप भारत के महान संत विवेकानंद से महान नहीं है। भारत के महान संत हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक लाइन कहा था, क्योंकि जब विवेकानंद का टाइम था तो भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने एक लाइन कहा था विवेकानंद ने कि भारत के युवाओं तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। क्यों कहा था ऐसा? अभी इतने इतने फुटबॉल खिलाड़ी आप सामने बैठे हैं। फुटबॉल इसलिए खेलने का कहा था विवेकानंद ने क्योंकि भारत देश में जात पात, भारत देश में मजहब, भारत देश में धर्म, फुटबॉल खेलना चाहिए। अब कहेंगे कैसे? आप कभी भी फुटबॉल, चूंकि हो सके अभी 15 को जर्सी पहनते हैं, लेकिन याद कीजिए हमारे पास 9 ही को जर्सी है। उतर गए 9 खिलाड़ी मैदान में, 11 खिलाड़ी मैदान में उतर गए, 12वां खिलाड़ी जब हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? वो सेंडोगंजी में तो नहीं आता है, यानी जो खिलाड़ी चेंज होता है वो अपनी जर्सी उसे उतार कर देता है ना। आप देखिएगा उस जर्सी में कितना बदबू देता है, आप लोग थोड़ा सेंड मार के देख लीजिए।
उस जर्सी में कितना बदबू देता है इसको अनुभव कीजिए। एक तो आप आधा घंटा चले हैं, पसीना से भींगे हैं, ऊपर से ग्राउंड में कितना बार मैंने किचन से मिट्टी से आप लटपटाए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन वो खिलाड़ी जो बारवा खिलाड़ी के रूप में आता है, सहर्ष आपकी जर्सी को स्वीकार करता है, उसे बदबू का एक छटाक अनुभव नहीं होता है। बकायदा आप घर जाइए, अपना बढ़िया ब्रांडेड शर्ट अपना छोटा भाई को बोलिए पहनेगा, बोले अच्छी सेंट मारता है, दो बार पीछेगा रेन साबुन से तब पहनेगा, आपका ब्लड है आपसे उसका ब्लड रिलेशन है। लेकिन आपका भाई इनकार कर देगा कि नहीं हम आपका शर्ट नहीं पहनेंगे, ये दो दिन से पीछा नहीं है। लेकिन जब खेल के मैदान में आते हैं वही खिलाड़ी आपका बदबू देने वाला टी शर्ट उतरता है और मैदान में जाता है, यानी वहां भेदभाव नहीं होता है। यही बात विवेकानंद ने कहा था कि खेल के मैदान में भेदभाव नहीं होता है, वहां जुड़ने का मौका मिलेगा। बाकी आप कहीं चले जाए, आपकी जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका मजहब अलग है, आपकी भाषा अलग है। एक बात बताइए, खेल के मैदान में आपको जरा भी लगा कभी कि हम एक दूसरे से अलग है? थोड़ा सा भी विजेता उपविजेता टीम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी लगा एक टीम बन के खेले कि नहीं? जबकि आपकी टीम में है कि सभी एक ही कास्ट के थे, क्योंकि मैंने परिचय पूछा तो सबसे ज्यादा संथाली भाई लोग थे। तो क्या गारो के गारो संथाली भाई थे? नहीं, एक दो विश्वकर्मा भाई लोग थे, मोदक भाई लोग थे, कि नहीं? यानी एक ग्राउंड जो होता है, स्पोर्ट जो होता है, वो भेदभाव से ऊपर होता है। इसलिए मैं सभी को संदेश देना चाहूंगा, आप पेशे से डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, लेकिन एक स्पोर्ट पर्सन जरूर बनिएगा। आप चले जाए, क्योंकि आप कोल फील्ड में रहते हैं, आप शहरों में रहते हैं, बहुत सारे अधिकारी आपके आसपास रहते होंगे, ऑफिसर कॉलोनी आप देखे होंगे, ऑफिसर बड़े बड़े अधिकारी आप देखे होंगे, सुबह उठ के वॉलीबॉल खेलते हैं, सुबह उठ के दौड़ते हैं, 60 साल की उम्र पार हो चुकी है, क्यों पता है? डॉक्टर ने कहा है दौड़ते रहोगे तो मर जाओगे। लेकिन एक फुटबॉल खिलाड़ी, उसको बुढ़ापा में दौड़ने की जरूरत नहीं है, जवानी में दौड़ चुका होता है। जो आज साहब है, सीएमडी रहे, जीएम है, पूरा जीवन उन्होंने पढ़ाई में बिताया है, कभी खेल में समय नहीं दिया है, इसीलिए आज 60 साल के बाद आप किसी ऑफिसर कॉलोनी में चले जाए, वो सुबह 6 बजे उठते हैं, वॉलीबॉल खेलते भी 60 साल की उम्र में, क्यों? डॉक्टर ने कहा है खेल से रहो, तो इसीलिए खेल के साथ रहो ताकि बुढ़ापा में आपको ज्यादा नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ खेल में स्कोप होता है, भले झारखंड की सरकार क्या कर रही पता नहीं, हमारे चूंकि ये कोलफील्ड साइड है, ये कोलफील्ड का सेक्टर है, आज से 40-50 साल पहले यानी 1970 का जो दौर था, 1980 का जो दौर था, हमारे गांव में एक लाइन कहते थे केरे छोड़ा, बुझते हैं ना आप लोग? हाँ, लड़का को छोड़ा बोला जाता है, केरे बबुआ दुए टची तो टाका कमाए सकल है, टाका माने पैसा कमाना। आखिर हम लोग इतना जो भी कर रहे हैं